वेल बिग बॉस ओटीटी में ग्रैंड फिनाले के दौरान राकेश बापट को फिर से मिल गया है एक प्यारा सा टैग। जी हाँ, राकेश बापट को आखिरकार ये टैग क्यों मिला है? 100 दिन की लाली पिया को प्यारी। वेल क्या है इसके पीछे की पूरी वजह और क्या है इस पूरे ग्रैंड फिनाले के गेम में ट्विस्ट, चलिए हम पूरी खबर आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पर। वेल आपको बता दूँ कि बिग बॉस ओटीटी के ग्रैंड फिनाले के मौके पर रितेश और जेनेलिया डिसूज़ा पहुंच चुके थे और इसी दौरान उन लोगों ने एक बिग बॉस ओटीटी में टास्क कराया, जिस टास्क के दौरान काफ़ी सारे मूवीज़ के नाम रखे थे और सभी कंटेस्टेंट्स को उस मूवीज़ के नाम के अकॉर्डिंग सभी बाकी कंटेस्टेंट्स की कास्टिंग करनी थी। पर जब एक मूवी का नाम आया 100 दिन की लाली पिया को प्यारी वाली मूवी, उस पर टैग किया गया राकेश बापट को। जी हाँ, इसलिए ये राकेश बापट को ये टैग मिला क्योंकि एक बार राकेश बापट के पॉकेट से सच में दिव्या अग्रवाल की लाली यानी लिप बाम मिली थी। वेल उसी को लेते हुए यहाँ पर फिर से राकेश बापट दिव्या अग्रवाल और शमिता शेट्टी के बीच में फंसते नजर आते हैं। वेल सच में पति पत्नी और वो वाला टैग के बाद ये 100 दिन की लाली पिया को प्याली वाला टैग भी काफी ज्यादा मजेदार लग रहा है। वह राकेश बापट हमेशा से ही शुरुआती दिनों से ही दिव्या और शमिता के बीच में फंसते आ रहे हैं और ग्रैंड फिनाले के मौके पर भी सभी कंटेस्टेंट्स ने उन्हें इन दोनों के बीच में पीसने का मौका नहीं छोड़ा है। वह आपको क्या राकेश बापट पे ये टैग सुटेबल लग रहा है? क्या राकेश बापट सच में है 100 दिन की लाली पिया को प्याली? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।